हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, प्लीज़ एंड तक देखिए वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोज़ की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बैट स्विच के कनेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही में मैं सीरीज भी बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से 2-in-1 हम सीरीज भी बना सकते हैं और बैट स्विच के कनेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये होल्डर में आपको यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ से एक वायर जो है इस तरीके से निकाल लेनी है। इस तरीके से निकालने के बाद आपको एक एक वायर एक एक टर्मिनल में लगा देनी है। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस, होल्डर के साथ वायर लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ये 2-pin स्क्रू जो है लगा देना है इन दोनों वायर्स में। ठीक है गाइस, तो मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो गाइज, मैंने 2-pin स्क्रू के साथ भी वायर लगा दिए। अब आपको क्या करना है, जितने दूर आप अपने बैट के साथ इस बैट स्विच को लगाना चाहते हैं उतनी दूर आप लगा लीजिएगा। कैसे लगाना है, दो वायर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एक होल्डर के साथ लगी होगी और एक ऐसे 2-pin के स्क्रू लगी 2-pin स्क्रू के साथ लगी होगी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका बैट है वहाँ के बिल्कुल सेंटर में आपको जहाँ पे भी रखना है इस बैट स्विच को, जहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सके, तो वहाँ से आपको रेड कलर की वायर होगी, उसको आपको बीच में से सेंटर में से कट कर लेना है। किस तरीके से कट करना है ये देखिएगा, यहाँ से आपको एक वायर जो है रेड कलर की वायर जो है कट कर लेनी है। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की वायर है ये दो बन गई है। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों वायर जो है एक एक टर्मिनल में इस बैट स्विच के एक एक टर्मिनल में अंदर लगा देनी है। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद आके आपको फिर टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, और इसको 2-in-1 कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं 2-in-1 बोल रहा हूँ इसको। तो चलिए पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ।
तो गाइस मैंने बैट स्विच को भी इस टू पिन और होल्डर के वायर के साथ जोड़ दिया है। अब आपको मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए मैं बल्ब और मेन बोर्ड लेके आता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो गाइस मैंने मेन बोर्ड के साथ मेन वायर लगा दिए। अब जैसे ही मैं बैट स्विच को ऑन करूँगा तो ये बल्ब चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बल्ब चल रहा है और जैसे मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ये ऑफ भी हो रहा है, ये देखिए। तो ये जो कनेक्शन है बिल्कुल सही हुआ है और बैट स्विच के कनेक्शन जो है इसी तरीके से किए जाते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं टू इन वन करके दिखाऊंगा, तो टू इन वन कैसे करना है वो अब आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने इस बैट स्विच के साथ जो दो वायर्स लगाई थी उनको आपको हटा देना है, इस बैट स्विच को भी हटा देना है, ठीक है। तो मैं हटा लेता हूँ। तो गाइज मैंने बैट स्विच को हटा दिया। अब आपको क्या करना है, टेस्टिंग के लिए मैं टेस्टर यहाँ पे बोर्ड मेन बोर्ड लाता हूँ और अब मेन वायर मैं ये जो वायर है टू पिन शू है इसको मैं मेन बोर्ड के साथ लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने ऑन कर दिया है मेन बोर्ड के साथ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बल्ब नहीं जल रहा है। अब जैसे मैं इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ूंगा तो ये बल्ब जलना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए बल्ब जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारी सीरीज हो गई और जो मैंने पहले इससे पहले आपको जो बैट स्विच लगा के दिखाया तो वो बैट स्विच का कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो है सीरीज का है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिस्म से जान तक पास आते गए, निगाहों से दिल में समा